बात है सन 1840 की, जब उन 10 साल में 1840 और 50 के बीच में किसी को एक बियर या एक ड्रिंक पीने का मन किया करता था तो वो क्या करते थे, वो आते थे यहाँ पे जो है हिंदुस्तान की एक वन ऑफ द फर्स्ट ब्रूअरीज एवर इन इंडिया, और हम खड़े हैं एक ब्यूटीफुल जगह में कसौली में, और उसके बारे में आपको बताएंगे मेरे दोस्त मयूर। और बताइए, कंपनी का नाम है मोहन बीकन और उसकी हिस्ट्री हम आपको पूरी बताएंगे, लेकिन मैं पहले ये मोहन बीकन इससे बोल रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में घंटियां बज रही होंगी कि आपकी एक फेवरेट रम और एक फेवरेट विस्की होती थी वो यहाँ बनती है, इसलिए हम आपको यहाँ लाए हैं। जी यहाँ नहीं, यहाँ ये देखिए। तो 1855 एस्टैब्लिश के पीछे कहानी ये है कि 1840-50 में यहाँ बनी एक ब्रूअरी, उसके बाद 1923 में उसका नाम था मीकिन ब्रूअरी, 1923 में ये मिक्स हुई एक डायर ब्रूअरी के साथ तो बन गई मीकिन डायर, और 1923 के बाद 1947 में इसको मिस्टर मोहन ने खरीदा तो ये बन गई मोहन मीकिन, और ये तब से बना रही है फाइन विस्कीज और ड्रिंक्स आपके लिए। तो हिस्ट्री तो बहुत है यहाँ पर, जैसे कि ये लोकोमोटिव 1906 का बना हुआ, इसे 2010 तक यहाँ पर बॉयलर के तौर पे इस्तेमाल किया गया था, यानी कि हिस्ट्री इतनी पुरानी लेकिन इस्तेमाल 2010 तक। और किसी टाइम पे ये ब्रूअरी जो बियर बनाती है वहां से ट्रांसफॉर्म होकर डिस्टिलरी बन गई जहाँ पे विस्की बनती है। तो इस एरिया में अभी भी जो जितनी आपकी फेवरेट एंड फेमस विस्कीज हैं वहाँ पे उसका जो बेस स्पिरिट है वो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बॉटलिंग नहीं होती है, और जो प्रोसेस है वो हम आपको आगे बताएंगे। हमारे साथ है कर्नल राठौड़ जो CEO हैं मोहन बीकन के, एंड उनके साथ मिस्टर नागर जो प्रोडक्शन इंचार्ज है। नमस्कार नागर साहब, अब ये बताइए कि पहला स्टेप क्या है? हम लोग शुरू करते हैं बाले मोड से। जी बाले मोड हमारा आता है गाजियाबाद से, जो हमारी सिस्टर कंसर्न है मेन ऑफिस, वहाँ से आता है बैग्स में। जी उसके बाद हम इसको क्रश करते हैं यहाँ पे, क्रश करने के बाद इसकी ब्रोइंग की जाती है, वो आगे दिखाते हैं आप। क्रशिंग के बाद जो मोड वहाँ उधर क्रश हुआ उसको हम एलिवेटर से ऊपर ले जाते हैं साइलो में, साइलो में से मॉल्ट जो है ब्रूइंग के लिए यूज़ होता है, वाटर एक साइड से आता है, क्रश मॉल्ट दूसरी साइड से आता है, दोनों को मिक्स किया जाता है, मिक्स करके अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड pH एंड मैशिंग वाटर इज टू ग्रिस्ट रेशियो से, जी इसमें मैशिंग हो जाती है, कॉन्टीन्यूसली एजिटेशन चलती है इसकी, जी और टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जितने भी एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट करके वो स्टार्च को शुगर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को सिंपल प्रोटीन में, सो दैट ये सॉल्युबल हो जाए। जी जब कन्वर्शन पूरी हो जाती है हम चेक करते हैं स्टार्च टेस्ट से, कन्वर्शन पूरी हो जाती है उसके बाद हम इसकी फिल्ट्रेशन शुरू करते हैं। इट हैज़ गॉट ए फॉल्स बॉटम, जी और ऊपर जो है हस्क इसका एक फिल्ट्रेशन बेड बनता है, जी उससे हम फिल्टर करके इसको आगे ले जाते हैं। आइए मैं आगे दिखाता हूँ। कुछ समझ में आया मेरे को? आ गया थोड़ा थोड़ा। ये बहुत रोमांटिक चीज है, एक तरफ से मॉल्ट आता है दूसरी तरफ से गर्म पानी आता है, दोनों मिलके घूमते हैं और मीठी मीठी चीनी निकलती है, और आगे क्या होगा हम आपको बताते हैं। मैशिंग के बाद जब वो स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसकी पंपिंग उधर से करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको। जी वो पंप से फिर इधर आ जाता है हॉट वाटर टैंक में। जी हॉट वाटर टैंक में यहाँ होल्ड करते हैं इस टाइप ऑफ होल्डिंग टैंक। जी इसके बाद इसकी हम लोग THC के थ्रू चिलिंग करते हैं, एक साइड से हॉट वाटर जाता है दूसरी साइड से वाटर जाता है, जो चिल्ड वाटर है वो फिर हम नीचे पंप करके फर्मेंटर्स में ले जाते हैं, और फिर हम दिखाते हैं आपको फर्मेंटेशन कैसे चलता है। जी या आप जाइए मैं यहीं खड़ा हूँ। क्यों? जस्ट चिलिंग। चिल्ड वाटर जो है वो पंप करके इन फर्मेंटेड वैट्स में लाया जाता है, ये ओपोट वैट्स हैं, और ये सम ऑफ दीज वैट्स आर एज ओल्ड एज द कंपनी इज, और उसके बाद में फर्मेंटेशन करने के लिए इसमें पिच किया जाता है ईस्ट, ईस्ट पिचिंग के बाद फर्मेंटेशन कोई 40 आवर्स के बीच में ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद में ये हम लोग नीचे पंप कर देते हैं फॉर डिस्टिलेशन एंड सेपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द वॉश। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है जी, ये जो वॉट इसमें इतना सारा, अगर मैं गलती से इसमें गिर जाऊँ और स्विमिंग करूँ तो मेरा बाहर आने का मन करेगा कि नहीं? ये तो मुश्किल की आता है। तो वॉश यहाँ आता है पॉट स्टील्स में, यहाँ उसे हीट किया जाता है, और फिर और ये पॉट स्टील जो है 99.9% कॉपर के हैं, यहाँ पे गर्मी की वजह से डिस्टिलेशन हो जाती है, और वो वॉश और अल्कोहल होता है, वॉश को हम भेज देते हैं और अल्कोहल जो होता है उसको वापस डाला जाता है दूसरी डिस्टिलेशन के लिए। दूसरी डिस्टिलेशन के बाद इसके तीन पार्ट बनते हैं, हेड, मिडल और टेल, और जो मिडल होता है उसको भेजा जाता है आगे स्टोरेज के लिए और एजिंग के लिए। जी हाँ, और आगे क्या होता है वो फिर बताएंगे। सर ठीक बोला? बिल्कुल ठीक।
और ये है 150 साल पुराने अमेरिकन ओक वुड के बने हुए वैट्स, और यहाँ पे अल्कोहल स्टोर की जाती है और उसके एंड यूज के डिपेंडिंग के ऊपर या तो इमीडिएटली भेज दी जाती है बॉटलिंग की तरफ या वो मैचुरेशन के लिए जाती है। स्पिरिट स्टोर रूम में जब माल्ट स्पिरिट बन जाती है उसके बाद में ना हम लोग मैचुरेशन के लिए ले जाते हैं। ये ओक वुड कास्क हैं और इनको हम फिल करते हैं, यहाँ पे हम लोग मैचुरेशन करते हैं। यू कैन सी ऐसे हमारे पास 12 मैच्योर रूम्स हैं और यहाँ पे 1 से 10 साल तक की स्पिरिट मैच्योर की जाती है। और आओ आप एंजॉय करो। अब कमान सर, मेरे को एक क्वेश्चन है जी, कि मेरा जो दोस्त रॉकी है ना, उसको कितनी देर यहाँ बंद करना पड़ेगा मैच्योर होने के लिए? ही इज ऑलरेडी मैच्योर। नो सर, नो।